बाद आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब हुकाम ने 7 रोजा राहदारी रिमांड खत्म होने पर शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया। जज सैयद नजमुल हसन ने एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सकलैन जावेद से। जी सकलैन, बताइएगा आज की समाअत में क्या पेशरफ्त रही? आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार मियां शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ की तरफ से शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने वकला के दलायल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुलजम शहबाज शरीफ को 6 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत नैब हुकाम की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ से अभी बहुत से मामलात में तहकीकात करनी है, क्योंकि उनकी मशकूक ट्रांजेक्शन भी सामने आई हैं जिनके आमदन से ज्यादा असासाजात भी हैं और आमदन से ज्यादा उन्होंने तोहफे भी दिए हैं, जिसकी वजह से मजीद तहकीकात करनी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को 6 करोड़ रुपए के तोहफे भी दिए हैं, जबकि उनकी टोटल आमदनी जो है वो इससे मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन आमदन से जायद उन्होंने तोहफे तोहफे दिए हैं। इस हवाले से वो प्रॉपर जवाब भी नहीं दे पाए, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि उनके पास दीगर जराये से भी वसाइल मौजूद थे जिनसे उन्होंने ये तोहफे दिए थे, जबकि अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कुछ ही अर्सा पहले 20 करोड़ रुपए की एक अराजी फरोख की थी, वो रकम भी शहबाज शरीफ के अकाउंट में थी, लिहाजा अगर उन्होंने उससे अपने बेटों को तोहफे दिए हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। जबकि नायब हुकाम की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ को सवालनामा दिया था उसमें भी प्रॉपर जवाब नहीं दिए गए। उनके पास 2011 से 2017 तक शहबाज शरीफ की तमाम आमदन का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके जो अखराजात हैं वो आमदन से जायद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस हवाले से मजीद तहकीकात करनी है। अदालत के रूबरू ये भी बताया गया कि इनके शहबाज शरीफ की तमाम जो आमदन है वो आशियाना इकबाल स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया।